हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण गर्भवती महिला के शरीर में दिखाई देते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में 8 ऐसे महत्वपूर्ण लक्षणों को बताने वाला हूं जो पीरियड मिस होने से पहले गर्भावस्था के लक्षण होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब महिला का गर्भ ठहर जाता है तब उनको पता नहीं होता है कि उनका गर्भ ठहरा है या नहीं, इसी बीच वो इस बात को लेकर चिंतित भी रहती है। तो आज के इस वीडियो को आप देख ले तो समझ जाएंगे कुछ लक्षणों को अपने शरीर में मिलाकर कि आप गर्भवती है या नहीं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बनाई गई है। तो वीडियो को शुरू करेंगे और आपको बताएंगे पहली लक्षण थकावट महसूस होना। अगर गर्भवती महिला को थकावट महसूस होता है तो समझ ले कि वो गर्भवती हो चुकी है। दूसरी लक्षण इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। आपको मैं बता दूं, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको होती है तो आप समझ ले कि आप गर्भवती हो चुकी है। तीसरी लक्षण बुखार आना या चक्कर आना या आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी लक्षण अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो यह प्रेगनेंसी के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। चौथी लक्षण आपको मितली या उल्टी की दिक्कत होना। अगर आपका गर्भ ठहर चुका है तो गर्भ ठहरने के तुरंत बाद ही आपके शरीर में हो रहे हार्मोनल चेंजिंग की वजह से आपको मितली और उल्टी की शिकायत काफ़ी ज़्यादा रहती है और इससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहती है। पांचवी लक्षण आपके स्तन में दर्द रहना। अगर आप गर्भवती हो चुकी है तो आपके स्तन में भारीपन या दर्द जैसा लगातार आपको महसूस होगा। प्रेगनेंसी के 1 से लेकर 3 महीने तक ये दिक्कतें आपको काफ़ी ज़्यादा आएगी। छठी लक्षण आपको बार बार पेशाब जाना। अगर आप गर्भवती हो चुकी है, जैसे ही आपका गर्भ ठहरता है उसी समय के बाद से आपको बार बार पेशाब करने जाने की ज़रूरत पड़ती है, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सातवीं लक्षण आपके सर्वाइकल म्यूकस का कम हो जाना, जिसकी वजह से सर्वाइकल म्यूकस आपके योनि के माध्यम से बाहर आता है। ये सर्वाइकल म्यूकस आपके योनि से खून जैसा बाहर निकलता है उसी को कहा जाता है, इसको आप ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। आठवीं लक्षण आपके मूड में लगातार बदलाव होना या कब्ज की समस्या रहना। अगर आपको पता नहीं है कि आपका गर्भ ठहरा है या नहीं तो आपको मैं बता दूं, अगर आपका गर्भ ठहर चुका है तो आपको कब्ज या मूड स्विंग यानी आपके मूड में लगातार बदलाव होना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं आपके प्रेगनेंसी के। अगर आपको इन सारे लक्षण में 2-3 लक्षण भी आपके शरीर के अंदर दिखाई देते हैं तो आप समझ ले कि आपका गर्भ ठहर चुका है, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। अगर आपको इस वीडियो के अलावा भी कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे आप आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।